सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट में। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई है, डीएलएड 2018 परीक्षा का पेपर आउट हो गया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षा का पेपर आउट हो गया है और दो लोगों पर मुकदमा हो गया है। और यहाँ पर पूरा मामला क्या है, क्या सच में आप सभी लोगों को फिर से, जितने भी प्रशिक्षु 2018 बैच के जिन्होंने भी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दी, क्या आप लोग क्या एग्जाम फिर से होगा, आप लोग को फिर से सारे पेपर देने पड़ेंगे? तो चलिए देखते हैं क्या पूरा मामला है कल का। तो यहाँ देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य ने दर्ज कराया केस। तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का पेपर आउट हो गया है। प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय ही तलाशी के दौरान मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर की हल सामग्री मिली है। जीआईसी के उप प्रधानाचार्य वंशराज की ओर से चौक कोतवाली से महिला प्रशिक्षु व उसके भाई के विरुद्ध नकल करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में इन दिनों राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में डीएलएड के विभिन्न सेमेस्टरों की परीक्षाएं चल रही हैं। बुधवार को प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज में डीएलएड 2018 बैच अष्टम प्रश्न पत्र का इम्तहान 2 से 3 बजे तक होना था। परीक्षा शुरू होने से पहले ही मुख्य गेट पर प्रशिक्षु ज्योति, जिनका अनुक्रमांक यहाँ पर लिखा हुआ है, के साथ राहुल मौर्य निवासी सौदाबाद हंडिया पहुंचे। ज्योति की तलाशी के दौरान मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप D18 पर ग्रुप एडमिन मनोज की ओर से पेपर की हल सामग्री व अन्य पोस्ट की गई थी। सहायक अध्यापक अखिलेश कुमार, राजेंद्र यादव, डॉक्टर इफत परवीन व अहमद सिद्दीकी को पेपर शुरू होने से 15 मिनट पहले ही मोबाइल से अनुचित सामग्री मिली। परीक्षा के पेपर से मिलान करने पर काफी सवाल मोबाइल पर हल मिले हैं। जीआईसी के उप प्रधानाचार्य वंशराज की ओर से चौक कोतवाली में प्रशिक्षु व उसके भाई को नामजद करते हुए मुकदमा लिखाया गया है। जीआईसी के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर की हल सामग्री मिली है, इसलिए रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को रिपोर्ट भेज दी गई है, यानी कि रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। और उधर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि उन्हें जीआईसी की रिपोर्ट का इंतजार है, यानी कि जैसे ही रिपोर्ट यहां से जाएगी इस इंटर कॉलेज से, उस प्रकार पता चलेगा कि कितने लोगों तक इस पेपर की पहुंच थी और कितने अधिक लोगों तक ये पेपर ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुका था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक जिले की बात है, केवल प्रयागराज की, तब तो दोस्तों पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो पूरा पेपर सेंटर, ये जो पूरा सेंटर बनाया गया था राजकीय इंटर कॉलेज, हो सकता है यहाँ पर जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हों इन्हीं का पेपर दोबारा हो जाए। लेकिन अगर ये बड़े स्तर पर हुआ है, बहुत सारे जिले के बच्चे इसमें शामिल हैं, तो निश्चित रूप से पेपर निरस्त कर दिया जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों होता क्या है। और यहाँ पर देखिए, पहले भी पेपर आउट हो चुका है, 2015 बैच चौथे सेमेस्टर का भी पेपर आउट हो गया था। उस समय परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षाएं रद्द करके फिर से कराई थी, साथ ही पेपर को कोषागार के डबल लॉक में रखवाने का इंतजाम भी कराया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पेपर आउट हो गया है या सभी बच्चों का इम्तिहान फिर से होगा। जैसे ही पीएनपी को रिपोर्ट पहुंचेगी, पीएनपी के द्वारा उस पर गहन मंथन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहां तक, कितने लोगों तक ये पेपर आउट हो चुका था। तो उसी के अकॉर्डिंग पीएनपी के ऊपर है, पीएनपी कौन सा निर्णय लेती है, क्या फिर से आप सभी लोगों के पेपर दोबारा होंगे या फिर उन्हीं बच्चों के पेपर होंगे जिनका, जिनके सेंटर पर पेपर आउट हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को केवल डीएलएड की सामग्री नहीं मिलती है, बल्कि आप लोगों के यूपी टेट और सीटेट की भी तैयारी हम करा रहे हैं अपने चैनल से। तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखिए। आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए, आपकी बेहतर तैयारी टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करवाएगा। आप लोगों की हर एक विषय की बेहतर तैयारी हमने करवाई है थर्ड सेमेस्टर में, और आप लोग के अब हम सीटेट और यूपी टेट की भी तैयारी बहुत अच्छी करवाने वाले हैं। तो बस आप लोग ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए, और जहां कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहिए। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में यूपी टेट सीटेट की वीडियोस मिल जाएंगी, आप सभी विषयों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों के लिंक मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।